दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद रानभाने नेपाल में दू देश बीच के सैन्य संबंध सुदृढ़ हेबाक विश्वास। पर्वत वामक कृष्ण बहादुर महारा की पत्नी सीता महारा के निधन, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा दुख व्यक्त। नेपाल में कोरोना भाइरस संक्रमित होवला की संख्या 179,600 पार, 37,476 गोटे सक्रिय संक्रमित। अमेरिका में नया राष्ट्रपति चयन के लिए मतदान संपन्न। वर्तमान राष्ट्रपति ट्रंप और जो बाइडेन बीच कड़ा प्रतिस्पर्धा, प्रारंभिक नतीजा आवगे बाकी। सनराइजर्स हैदराबाद इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल T20 क्रिकेट के प्लेऑफ में प्रवेश, मुंबई इंडियंस 10 विकेट से हारल। भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाने आई नेपाल आईपुगल। नेपाली सेना के निमंत्रणा में अब आईपुगवाक नरवाने शुक्र दिन स्वदेश घुमा कार्यक्रम रहे। नरवाने के आई कोनो भी औपचारिक कार्यक्रम नहीं रहला के कारण त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से सीधे अपन रहवला ठाम में जता। काल भिनसर 10 बजे सैनिक मुख्यालय में नेपाली सेना सम्मान अर्पण करवाक आ सैनिक मंच में रहल शहीद शालिका में जाकर श्रद्धांजलि अर्पण करवाक कार्यक्रम रहल। सैनिक जनसंपर्क कार्यालय भद्रकाली जानकारी देने से नरवाने बृहस्पति नेपाली सेना के मनार्थो सेनाध्यक्ष के पदवी ग्रहण करवाक कार्यक्रम सेहो रहे। ओ राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी मनार्थो सेनाध्यक्ष सम्मान करवाक कार्यक्रम रहे। नेपाल भ्रमण दू देश सेना बीच के संबंध आरो मजबूत होबाक विश्वास नरवाने व्यक्त कयने। सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत ट्वीट करैत ओ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संग भेंट कला के बाद अपने बहुते खुशी लागल व्यक्त सेहो कयने। संगे राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी से मनार्थो सेनाध्यक्ष की उपाधि लेब पहला से सेहो अपने गौरवान्वित महसूस कयने बतौने छला। पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महारा के पत्नी सीता महारा के निधन भेल। महारा के पत्नी सीता के इलाज क्रम में काठमांडू के नॉर्विक अस्पताल में निधन भेल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा शोक वक्तव्य जारी करते दिवंगत सीता महारा प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करते शोकाकुल परिवारजन में संवेदना व्यक्त कयने। साथ माय स्थानीय से बीतल 10 वर्ष पीड़ित रहल महारा में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल छल। थापाथली स्थित नॉर्विक अस्पताल में हुनका 15 दिन से वेंटिलेटर में राखि इलाज कयल जा रहल छल। आई हुनकर निधन भेल छल। पारिवारिक स्रोत के अनुसार हुनकर आई भिनसरे निधन भेल बताओल जा रहल छ। नेपाल में कोरोना भाइरस संक्रमित के संख्या 179,600 पार भेल। पिछला 24 घंटा में 3,114 गोटे नया संक्रमित थफाए लगले। कुल संक्रमित के संख्या 179,614 पहुँचल। नेपाल में कोरोना भाइरस संक्रमण से मृत्यु होला के संख्या 1,000 पार भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार पिछला 24 घंटा में कोरोना से 20 गोटे के मृत्यु भल लगले। कुल मृतक के संख्या 1,400 पहुँचल। 141,134 गोटे संक्रमित इलाज के बाद ठीक भक घर घूमल। 37,476 गोटे सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में रहल। मंत्रालय जानकारी देने से तेना क्वारंटीन में रहला की संख्या 1,277 रहल जानकारी देल गेल। अर्थ मंत्रालय बीमा समिति से जारी भेल कोरोना बीमा लेख बमोजिम के दावी केने बीमित सबके बीमा को रकम 1 हफ्ता भीतर भुगतानी करके निर्देशन देने। कोरोना बीमा दावी केने बीमित सबके PCR परीक्षण प्रतिवेदन पॉजिटिव प्रमाणित होला बाद बीमा लेख अनुसार देव पड़वाक रकम सब बीमित सबके संबंधित बीमा कंपनी 1 हफ्ता भीतर भुगतानी देव मंत्रालय निर्देशन देने। अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल के उपस्थिति में अर्थ मंत्रालय में भेल बैसार के बाद 1 हफ्ता भीतर बीमा रकम भुगतानी करवाक कार्य के समन्वय अनुगमन बीमा समिति कर पड़वाक दावी भुगतानी के दैनिक प्रतिवेदन अर्थ मंत्रालय में पठाव से हो समिति के मंत्रालय निर्देशन देने। बीमा समितिबाट जारी गरिएको बीमा लेख बमोजिम कोरोना बीमा दावी गरेका बीमितहरूको PCR परीक्षण प्रतिवेदन पोजिटिभ प्रमाणित भएको अवस्थामा बीमा लेख बमोजिम प्रदान गरिने बीमाको रकम भुक्तानी दावी गरेका सबै बीमितहरूलाई संबंधित बीमा कंपनीले 1 हफ्ता भित्र भुक्तानी गर्ने। कोरोना बीमा को दावी भुक्तानी कार्य में सर्वसाधारणबाट आएका गुनासाहरूको सुनवाई गरी संबंधित बीमा कंपनीहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिन हटलाइन टेलिफोन सहित को हेल्प डेस्क संचालन गर्ने व्यवस्था बीमा समितिले तत्काल मिलाउने। तैनाक कोरोना बीमा दावी भुक्तानी संबंध में सेवाग्राही सहायल उपराग सबके सुनवाई कक समस्या समाधानक लेल संबंधित बीमा कंपनी के निर्देशन देव लेल हॉटलाइन टेलीफोन सहित के हेल्प डेस्क संचालन करवाक व्यवस्था तत्काल मिलाब सेहो निर्देशन देल गेल।
बैसारमें अर्थ मंत्रालय के सचिवदेव सुशर कुमार ढुंगाना, रामशरण पुरासनी बीमा समिति के अध्यक्ष सुरंजीवी सापागाई, बीमा संघ के अध्यक्ष दीप प्रकाश पांडे लगायत का उपस्थिति रहल छल। नेपाली कांग्रेस पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय जिला कार्यालय में तीन दिन पार्टी के झंडा आधा झुकवाक मंगल दिन बैसल केन्द्रीय कार्य समिति के आकस्मिक बैसार से प्रतिनिधि सभा सांसद समेत रहल पार्टी के केन्द्रीय सदस्य सूर्यबहादुर केसू के निधन में शोक व्यक्त करते पार्टी के झंडा आधा झुकवाक निर्णय कर गए। कांग्रेस के नेता पूर्ण बहादुर खटका कार्तिक 18-19-20 गते पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय आ सब जिला कार्यालय में पार्टी के झंडा आधा झुकवाक निर्णय बताने सात। स्वर्गीय केसीप्रति सम्मान प्रकट गर्दै शोक कार्यक्रम देहाय भन्ने निर्धारण गरिएको छ। 77 कार्तिक 18-19-20 गते तीन दिनसम्म पार्टीका केन्द्रीय कार्यालय र सबै जिल्ला कार्यालयहरूमा पार्टीको झन्डा आधा झुकाउने। कार्तिक 19 गते बुधबारका दिन केन्द्र तथा जिल्लाका सबै कार्यालयहरू बन्द गर्ने। 11औँको 13 दिनसम्म केन्द्रीय कार्यालय सबै जिल्ला कार्यालयहरूमा शोक पुस्तिका राख्ने। तहिना कार्तिक 19 गते सब कार्यालय सब बंद करवा का केसू के निधन 13 दिन धरि शोक पुस्तिका रखवाक निर्णय सेहो बैसार के नहीं सा। केसू के निधन के बाद कांग्रेस के पदाधिकारी बैसार सेहो स्थगित भेल सा। पोखरा महानगरपालिका साथ कास्की के केसू के सोम दिन राति निधन भेल छल। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। गृहमंत्री रामबहादुर थापा उपत्यकाकै ट्राफिक व्यवस्थापन के लिए सड़क सञ्जाल विस्तार लगायत काजकै सरकार प्राथमिकता देवाक बताने। उपत्यका लगायत देशक विभिन्न स्थान में होला ट्राफिक जाम के कम करक लेल गुणस्तरीय सड़क निर्माण पीच करवाक सड़क सञ्जाल के विस्तार सरकार प्राथमिकता के संग आगू बढ़ेबाक बताने। गृह मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री थापा ट्राफिक व्यवस्थापन के लिए सरकार एन निर्माण काज के सेहो तादुरुकता के संग आगू बढ़ेबाक बताने। अबला वर्ष ट्राफिक व्यवस्थापन के प्रविधिक बनेबाक बात के सेहो सरकार ध्यान देबाक ओ बताने। यो ऐन बनाउने कुरा पनि जो कुरा आएको छ यसलाई अलि तदारुकताका साथ अब आगामी यो उसमा हाम्रो सेसनमा हामीले यो विधेयकलाई हामी पारित गर्नेछौँ। आगामी आर्थिक वर्षमा यसलाई आफ्नो चाहिँ योजनामा हालेर चाहिँ यसलाई चाहिँ यातायातलाई हाम्रो यो ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रविधियुक्त बनाउने कुराहरूमा पनि हामीले ध्यान दिनेछौँ। प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्री ट्राफिक नियम जानकारी भेलाक बावजूदो पालना नै करबलाक लेल कड़ा कानूनके आवश्यकता रहल बताने। ट्राफिक नियम जानि जानिका उल्लङ्घन करबला पर होवला जरिवाना रकम बढावा परबाक उल्लेख करैत ओ लाइसेन्स वितरणमे सेहो कड़ाई करब परबाक बताने। तर त्यो पालना चाहिँ गरिरहेको छैन। इन्डियाले 4-5 महिना अगाडि चलान भनेर जुन प्रकारले जरिवाना लगाउने नीति लिएर आयो त्यो खाले अलिकति कठोर नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्छु। लाइसेन्सको डिस्ट्रिब्युसनमा हामीले अलिकति पनि लापरवाही गऱ्यौँ भने सडकमा प्रयोग हुने गाडी नै हतियारको रूपमा युज हुने सम्भावना रहन्छ। कार्यक्रममै महानगर ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख एसएसपी भीम ढक्काल ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्ययोजना समेत प्रस्तुत गर्न सल्लाह। काठमाडौँ उपत्यकाकै ट्राफिक जाम करबाक लेल सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणको लेल ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत कार्ययोजना 2077 तयार गरिएको छ। तत्काल सडक विस्तार गर पूर्वक सडक के चौडा बनाव पूर्वक सडक के किनारमा रहल वर्कसप तथा कल कारखाना के स्थानान्तरण गर पूर्वक लगायतक सुझाव कार्ययोजनामै समेटल गेल छ। ट्राफिक प्रहरी महाशाखाकै प्रमुख भीम प्रसाद ढकाल संयोजक रहल समिति एकीकृत कार्ययोजना तयार कऽ कऽ गृहमन्त्री रामबहादुर थापाकै बुझाउनेछ। उपत्यकाकै सवारी जाम कम करबाक लेल तत्काल सडक विस्तार गर पर्वाक चौडा सडक बनाव पर्वाक सडक किनारमे रहल वर्कसप तथा कल कारखानाके स्थानान्तरण गर पर्वाक लगायतक सुझाव कार्ययोजनामे समेटल गेल छ। गौरीघाट प्रहरी बिटके देवाल तोडिकऽ सडकके चौडा बनाव पर्वाक जडीबुटी पुल आ राधे राधे पुलके बाँकी काज तत्काल सम्पन्न गर पर्वाक जडीबुटी सह सूर्य विनायक धुर्के सर्भिस लाइनके बाँकी ट्र्याक खोल मरमत सम्भार कर लगायत काज कक सर्भिस लेन सञ्चालन गर पर्वाक आ कोटेश्वर चौकस जडीबुटी पुल धरि दुनो दिशके सर्भिस लेन जल्दी खोल पर्वाक विषयमे कार्ययोजनामे समेटल गेल छ।
तहिना दीर्घकालीन रूपमै उपत्यका कि अन्य उच्च सडकका चोक जक्सन सबके अध्ययन कक विस्तार कर प्रभाग सगरपत सडक बाँकी खण्ड विस्तार के लिए योजना बनाएको सम्पन्न कर प्रभाग लगायत एक योजना सेहो कार्ययोजनामा समेटल गेल महाशाखा प्रमुख ढकाल बताउन शाखा तहिना बाहिरी चक्रपथको अवधारणाकै कार्यान्वयन कर प्रभाग नागढुङ्गा सिस्ने खोला टनेल टोखा छहरे टनेल योजना समयमै सम्पन्न कर प्रभाग योजना सेहो समटाइल छ। तहिना कक पक्ना झोल क्षेत्रफाटी ग्वारको मंगल बजार गौशाला चाभिल बौद्ध मंगल बजार सुन्धारा जोरपाटी सुन्दरी जेल लगनखेल प्रयाग पोखरी सडककै पिच कर प्रभाग सुझाव समिति देने छ। तहिना जोरपाटी साँखु हाथीवन गोदावरी कमल विनायक नगरकोट इमाडोल सिद्धिपुर लुबु सानुठिमी बाख्रा बजार आ नक्खु दोबाटो बागडोल सर्भिस लेन सेहो पिच कर प्रभाग बताउल गेल छ। समिति सडक किनारमै स्थापना भेल पेट्रोल पम्प वर्कसपके सेहो स्थानान्तरण कर प्रभाग सुझाव देने छ। तहिना माइतीघर तिनकुने सूर्यविनायक कोटेश्वर कलङ्की सडकै नमुना सडकके रूपमै विस्तार कक नमुना सडकके रूपमै विकास गर प्रभागक कार्ययोजना निर्माण भेल अछि। दीर्घकालीन रूपमै उपत्यकाकै सडकके चौडा बनाइब कक नमुना सडकके रूपमै विकास गर्बाक प्रत्येक वार्डमै कम्तीमै एकटा सडकके नमुना सडकके रूपमै विकास गर्बाक आ सरकारी स्तरसँग ट्राफिक विद्यालय सञ्चालकक ट्राफिक आ सडक नियम सम्बन्धी प्रशिक्षण देव प्रभाग सुझाव सेहो कार्ययोजनामै समेटल गेल छ। सरकार साप्टिक रूपमै बांग्लादेश लाभके कहबाक तयारी कयल गेल 50,000 मेट्रिक टन यूरिया मल तत्काल नै अभाग भेलै छ। गत भादो दोसर सप्ताह दू देशके राष्ट्र प्रमुख बीच भेल टेलिफोन बातचीतमै मौखिक सहमति भेला भादो एखनो धरि समझदारी पत्रमै हस्ताक्षर हुन नै सकलै छ। मौखिक सहमति भेल दू महिना बीच पुग्ला भादो प्रक्रिया नै निष्कर्षमै पहुँचला छ। गहुँम राखेके समयमै मल अभाव हेबाक सम्भावना सेहो देखल गेलै छ। गहुँम लगाबके समयमै रासायनिक मल लेबाक तयारी रहला भादो एखनो धरि नै लागेको बाद समय लाग सक्वा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकै प्रवक्ता डाक्टर हरिबहादुर केसी जानकारी दिनेछ। केसी अनुसार किस दिनमै दुई देशकी कम्पनी बीच मल खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्वाक तयारी भएर रहेछ। हस्ताक्षर बेलाबाद खरिदकी लेल मन्त्री परिषद बैसारको अनुमति सँगै प्रक्रिया निष्कर्ष लागत। अहिसँ पहिने कार्तिक महिनामै मल खरिदकै सम्झौतामै हस्ताक्षरक अघनकै पहिल सप्ताहसँग ढुवानी हेबाक विश्वास कयल गेल छ। स्वदेशी तथा विदेशी लगानी सहजीकरणके लेल उद्योग विभाग देशभरि उद्योगी व्यवसायी समक्ष अन्तर्क्रिया गर्बाक भेलै छ। स्थानीय लघु घरेलु साना तथा मझौला उद्योगकै विकाससँगै लगानी बढेबाक उद्देश्य छ। उद्योगी व्यवसायी छ राय सुझाव सङ्कलन गर लागल विभागकै महानिर्देशक जीवलाल भूषाल जानकारी दिन साथ प्रतिस्पर्धी बजारमै औद्योगिक विकास एवं लगानी प्रवर्धनकै लेल विभाग सातु प्रदेशमै कार्यक्रम गर लागल ओ बताउने छ। लगानी सम्बन्ध भेल समस्या समाधानक नेपालकै लगानी मैत्री गन्तव्य बनाब विभाग लागि पढल भूषाल बताउने छ। कोविड संक्रमण कम होबा लगले लगानी सहजीकरणक लेल वृहत कार्यक्रम करबाक आ ओहिके बाद अगाडि बढ़बाक ओ बताउने छ। मैथिली समाचारमे छोट विश्राम। मैथिली समाचारमे आब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकामै राष्ट्रपति पदको निर्वाचन सम्पन्न भएलै छ। आवला 4 वर्षको लेल व्हाइट हाउसमै पहुँचक लेल दुई पार्टी रिपब्लिक आ डेमोक्रेट बीच भेल प्रतिस्पर्धाकै मतदाता सब अपन मत देबाक काज पूरा कयने छ। बहुतो विवादित आ विभाजित रूपमै चलल अमेरिकी निर्वाचन अभियान समापन होइत मतदाता सब उत्साहपूर्वक मत देने छ। अघिल्ला निर्वाचनकै तुलनामै एहि बेरक बहुतो प्रतिशत मत खसल जानकारी देल गेलै छ। यद्यपि कोरोना भाइरसकै कारण यति उत्साहजनक निर्वाचन हेत कहिक विश्लेषक सब अनुमान नै गर्न छल। अमेरिकी राष्ट्रपति पदके उम्मेद्वार वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आ पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन भविष्यके बाकसमे बन्द भेलै छ। परिणामके लेल किस घण्टा आरो प्रतीक्षा गर परबाक भेलै छ। कोरोना महामारीसँग सन्त्रस्त बनाउने समयमै सेहो अमेरिका बहुत उत्साहपूर्वक मत गिराउने छ। अधिकांश मतदाता मुँहमै मास्क लगाएको दूरी कायम गरेर मत गिराउने लामबद्ध भेल छल। पूर्ण परिणाम आबके लेल किछु समय आरो लाग सक्पाक सो निर्वाचन परिणाम केकरा पक्षमा आयत से प्रारम्भिक नतिजा भएके बाँकी रहलै छ। आबके किछु समयमै अमेरिकी संचार माध्यम सब जानकारी देव सुरु गरायत। आब खेलकुद समाचार।
सनराइजर्स हैदराबाद इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल T20 क्रिकेट के प्लेऑफ में प्रवेश कने सहरसा में मंगलदिन भेल अंतिम लीग के खेल में मुंबई इंडियन पर 10 विकेट से शानदार जीत निकालत हैदराबाद प्लेऑफ में पहुंचल है। मुंबई देने 150 रन के लक्ष्य के हैदराबाद 17 ओवर एक बॉल में बिना विकेट के क्षति में पूरा कलक। हैदराबाद को जीत में डेविड वार्नर आ रिद्धिमान शाह उत्कृष्ट बैटिंग करते अर्धशतक के इनिंग्स खेल सलाह। वार्नर आ शाह पहल विकेट के लिए अभिजीत रह 151 रन के साझेदारी कल बाद हैदराबाद शानदार जीत निकाल ऐसे पहिने टॉस हार के पहिने बैटिंग करने मुंबई 20 ओवर में 8 विकेट के क्षति में 149 रन मात्र बना सकल छ। जीत संगे हैदराबाद तीसरे स्थान में रहते प्लेऑफ में स्थान बनाने हैदराबाद अब इलिमिनेटर में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर संग खेलत। बैंगलोर 14 अंक जोड़ कर चारिम स्थान में रहते प्लेऑफ में पहुँच सफल भेल। कोलकाता नाइट राइडर्स 14 अंक जोड़ला बाद बहरा रहे अंतिम खेल में हैदराबाद संग पराजित होला बाद मुंबई शीर्ष स्थान में रहल। मुंबई 14 खेल में 18 अंक जोड़ने मुंबई अब क्वालिफायर में दिल्ली कैपिटल संग खेलत। दिल्ली 14 खेल में 16 अंक जोड़ कर दूसरे स्थान में रहित क्वालिफायर में पहुँचल है। पहल क्वालिफायर बृहस्पति दिन दुबई में हैत। इलिमिनेटर खेल शुक्र दिन आबूधाबी में हैत। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फिर से एक बार। भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे नेपाल में दू देश बीच के सैन्य संबंध सुदृढ़ होबाक विश्वास। पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महाराज की पत्नी सीता महाराज के निधन। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा दुख व्यक्त। नेपाल में कोरोना भाइरस संक्रमित के संख्या 179,637 गोटे सक्रिय संक्रमित। अमेरिका में नया राष्ट्रपति चयन के लिए मतदान संपन्न। वर्तमान राष्ट्रपति ट्रंप और जो बाइडेन बीच कड़ा प्रतिस्पर्धा प्रारंभिक नतीजा आवक के बाकी। सनराइजर्स हैदराबाद इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के T20 क्रिकेट के प्लेऑफ में प्रवेश। मुंबई इंडियंस 10 विकेट से हारल। एखनुक लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर हमरा सबके वेबसाइट जनता समाचार .com में सेहो पढ़ देखा सुन सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय में समाचार हमरा सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथ धो भीड़ भाड़ से अलग घर में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।